हिमाचल को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर चप्पे चप्पे में स्थापित प्राचीन मंदिर और यहाँ की धार्मिक परंपराएं हमेशा ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। देवभूमि हिमाचल में 5 प्रसिद्ध शक्तिपीठ हैं, जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु माँ के दर्शनों के लिए आते हैं। और आज मैं आपको भी लेके आया हूँ माँ नैना देवी के दर्शनों के लिए। तो चलिए चलते हैं और करते हैं दर्शन माँ नैना देवी के। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन न्यू ब्लॉग। और गाइज, आज मैं आया हूँ दोबारा से हिमाचल नैना देवी के दर्शन के लिए। तो अभी मैं हूँ बस स्टैंड पे, नैना देवी के बस स्टैंड पे। मेरे पीछे जो बस स्टैंड है नैना देवी का, तो अभी चलते हैं ऊपर। ये पीछे बस स्टैंड है और यहीं से रास्ता ऊपर गया है। गाइस, जैसे हम ऊपर आते हैं दोनों तरफ से यहाँ पे शॉप्स बनी है। नीचे है टॉयलेट और यही रास्ता है। तो भाई शूज मैंने उतार दिए नीचे, तो भाई काफ़ी चढ़ाई है और आज मैं हूँ अकेला। अच्छा, जय माता। और ये भाई साइड का व्यू, तो बस मैं तो थक गया हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट होगा। मैं थक गया दोस्तों, चढ़ाई बहुत, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद चढ़ाई कर रहा हूँ। तो व्यू दिखाता हूँ आपको। तो बस ये है व्यू। और वो ऊपर है मंदिर। और गाइस अभी ना धूप लग रही है काफ़ी तेज़।
उनको पसीना पड़ गया नीचे से ऊपर तक आने आने में। और वैसे नीचे देखिए वहाँ पे पार्किंग है, वहाँ पे लगाई मैंने बाइक। चलते थोड़ा और ऊपर। और गाइस यहाँ से गोविंद सागर लेक का व्यू काफ़ी प्यारा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार दर्शन कर लेते हैं उसके बाद चलते हैं। एक बार दर्शन कर लेते हैं फिर मैं आपको। तो गाइस यहाँ पे ना जगह जगह स्टॉल लगे हैं प्रसाद वगैरह के। तो गाइस दर्शन मैंने कर लिए और वहाँ पे ना आपको मैं प्रॉपर नहीं बता पाया क्योंकि अलाउड नहीं थी, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। और गाइस वो सामने जो है वो है गोविंद सागर लेक।
तो गाइस इस मंदिर की अगर बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में आता है। तो गाइस फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो मैं वहाँ पे बना नहीं पाया। कोशिश तो थी मेरी कि मैं थोड़ा बहुत बनाऊँ, तो जितना बनाया मैं उतना आपको दिखाऊँगा। बाकी बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो गाइस मैंने आपको मंदिर दिखा दिया, थोड़ा सा गाइस मैं पूरा नहीं दिखा पाया क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, तो चोरी छिपे मैंने जितना मैं दिखा सकता था मैंने दिखाने की कोशिश की। और अभी मैं नीचे आ गया हूँ, बिल्कुल कहीं रुका हूँ, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी मंदिर के बारे में। तो गाइस ये मंदिर आता है हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में और आनंदपुर साहिब से मुश्किल से 10 से 15 किलोमीटर है। और गाइस हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में है ये, और ये शिवालिक के पहाड़ियों में ये बसा हुआ है मंदिर। और ये मंदिर ये मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। और गाइस उत्तर भारत के 9 देवी यात्राओं की बात करें तो नैना देवी का 6ठा स्थान आता है। माता वैष्णो देवी से शुरू होने वाले 9 देवी यात्राओं में चामुंडा देवी, ब्रजेश्वरी माता, माता ज्वाला जी, माता चामुंडा, माता नैना देवी, माता मनसा देवी, माता कालिका और माता स्कंबरी जो कि सहारनपुर में है वो शामिल हैं इस यात्रा में। और गाइस ये नैना देवी जो है हिंदू लोगों का एक बहुत ही पवित्र स्थान है, काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की लोगों के बीच। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, हिमाचल के ही नहीं, यहाँ से पंजाब और पूरे इंडिया से लोग दर्शन करने आते हैं। और गाइस ये मंदिर सी लेवल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और गाइस अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर देवी सती के नैन गिरे थे, इसलिए इसको नैना देवी कहा जाता है। पूरी बात करेंगे थोड़ी सी इस मंदिर के बारे में, देवी सती के बारे में। एक तो पीपल का पेड़ भी है जो कि काफ़ी पुराना है और काफ़ी मान्यता है उस पीपल के पेड़ के रिगार्डिंग भी। और गाइस मैं पूरा मंदिर तो नहीं आपको दिखा पाया, अंदर से दर्शन नहीं करवा पाया पूरे प्रॉपर, क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं था। वो कहते कि मोबाइल से बना लो लेकिन कैमरे से अलाउड नहीं है, पर आई डोंट नो कि क्यों ऐसा क्यों है कि मोबाइल से बना सकते हैं लेकिन कैमरे से नहीं। अगर अलाउड नहीं करना तो दोनों चीज़ों से ना करो, चलो वो उनकी मर्ज़ी है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जितना मैं कर सका मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। तो गाइस एक पुरानी कहानी के अनुसार जब सती ने अपने आप को जिंदा जला लिया था तो उनके जलते हुए शरीर को भगवान शिव ने अपने कंधे पे उठा के तांडव करने लगे, जिससे कि जितने भी देवी देवता थे वो सारे डर गए थे क्योंकि इस चीज़ से विनाश हो सकता था। तो उसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के जलते हुए शरीर के 51 टुकड़े कर दिए थे, और जहाँ जहाँ पे वो उनके शरीर के टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ पे शक्तिपीठ बनाए गए, 51 शक्तिपीठ बने हैं। और नैना देवी में माता सती के नैन गिरे थे। और गाइस अगर दूसरी स्टोरी की हम बात करते हैं तो एक कथा के अनुसार नैना नाम का एक गुज्जर लड़का अपने मवेशियों को चराने के लिए ले जाया करता था। तो गाइस मवेशी होते हैं जैसे जानवर होते हैं, भैंस हो गई, गाय बकरी हो गई, उनको वो चराने के लिए डेली ले जाया करता था। तो एक दिन उसने एक सफ़ेद गाय को अपने स्तनों में से एक पत्थर पर दूध गिराते हुए उसने देखा, और ये चीज़ वो काफ़ी टाइम तक वो देखता रहा। फिर एक दिन उसको रात को सपने में देवी माँ ने उसको दर्शन दिए और उसको कहा कि जहाँ पे वो गाय दूध गिराती है वहीं पे उस माँ की पिंडी है। तो उस नैना गुज्जर ने अपनी पूरी कहानी और अपने सपने के बारे में वहाँ के राजा वीरचंद को बताया। जब राजा को इस बात का पता लगा कि ये बात सच है तो राजा ने उसी स्थान पर श्री नैना देवी नाम के मंदिर का निर्माण करवाया। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी नए सफर पे, तो तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।